NISCL असिस्टेंट 2024 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बैंक और इंश्योरेंस के एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए सो NISCL असिस्टेंट इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू। इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हाई, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड ऑल बैंक एग्जाम्स इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट विद माई ओन स्ट्रेटजी। NISCL असिस्टेंट एग्जाम का कंप्लीट टाइम टेबल मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्हें सच में जॉब की नीड है, वो अगर इस स्ट्रेटजी को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप इसी अटेम्प्ट में NISCL असिस्टेंट में सिलेक्शन ले जाओगे। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो स्टूडेंट सीरियस है वो इसको एंड तक देखिए एंड आज से इस स्टडी प्लान को स्टार्ट कर दीजिए डेली बेसिस पे फॉलो करना। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि डेली बेसिस पे कितने घंटे हमें प्रिपरेशन करना इनफ है ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर लें। अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटे प्रिपरेशन करनी है। 4 to 5 hours इज मोर देन इनफ टू क्लियर NISCL असिस्टेंट इफ यू फॉलो माई स्ट्रैटेजी। तो आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है 10 से 12 घंटे अपनी प्रिपरेशन करते हैं जो बैंक और इंश्योरेंस के एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिला देगी। किस सोर्स से अपनी प्रिपरेशन करनी है? सबसे पहले तो जो सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाने वाले हैं उनका जो सिलेबस है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आएंगे, मेंस में आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। सो, इनका सिलेबस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहाँ से इनकी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से हमें प्रिपेयर करना है, मैंने एक सिंगल सोर्स बता दिया है। सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी वहां से। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एबिलिटी, इन सब की प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट कंटेंट है। मतलब उसके बाद आपको और कहीं से अपनी प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन वहीं से करी थी 2022 में, जब मैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने पूरी प्रिपरेशन इसी कोर्स से करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे बैंक एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो इस कोर्स का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अलॉन्ग विद दी सिलेबस, ताकि आप इसे लेके आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, क्या स्ट्रैटेजी आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का प्लान दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स से। मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी मैथ्स वीक है तो क्या हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? यस, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। आपको बस शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग लंबे लंबे लेक्चर्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे लंबी लंबी क्लासेस डेली बेसिस पे करते हैं। उससे उनके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बट एग्जाम जो है, जो बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम है लाइक NISCL असिस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो पूरी की पूरी आपकी फाइट है वो है टाइम के साथ। आपको 30 सेकेंड मिलते हैं पर क्वेश्चन। 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसको सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर को ढूंढना है ऑप्शंस में एंड उसको मार्क करना है। 30 सेकंड में अगर आपको करना है तो 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। वो कहाँ से पता चलेंगी? वो आपको जो बिगिनर टू बैंकर कोर्स है उसमें फास्ट ट्रैक क्लासेस होती हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दी जाती हैं। जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था मैंने यहीं से फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेंड करके सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीख ली थी एंड इसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी हैं, जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं बताएगा। तो डेली बेसिस पे आपको एक टॉपिक की, आज से आपको एक टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। वहां से फास्ट ट्रैक क्लासेस अटेंड कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको जल्दी से वो लोग सिखा देंगे। आपको लंबे लंबे लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बेसिक समझा देंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच है, ताकि 10 से 15 सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए सारे टॉपिक्स के। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मूव ऑन कर देना है।
आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इसी कोर्स में, जो मैथ्स की दो ई बुक्स हैं, डिजिटल बुक्स हैं दो, एक है बेसिक की, एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो बेसिक के आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपसे। जब आप 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के 10 प्रीलिम्स के एंड 10 आप मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो डेली बेसिस पे आपको इतने टास्क करने हैं मैथ्स के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो मैथ्स की फास्ट ट्रैक क्लास है उससे आपको डेली एक टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं उन्हें सीखना है एंड बेस्ट अप्रोच सीखनी है। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेसिक की मैथ्स की ईबुक में से। बेसिक क्वांट ईबुक नाम से जो डिजिटल बुक है इस कोर्स में, उसमें से आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ईबुक है, जिसमें सारे पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से आपको 10 प्रीलिम्स के 10 मेंस के क्वेश्चन डेली बेसिस पे करने हैं। इतना करना है बस आपको मैथ्स में डेली बेसिस पे, इजीली आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर जाओगे। अब हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, डेली एक टॉपिक की आपको फास्ट ट्रैक क्लास देखनी है। फिर जो टॉपर्स ईबुक फॉर रीजनिंग इस नाम से जो ईबुक है इसी कोर्स में है, उसमें आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेसिक लेवल के, एंड इसी ईबुक में एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि बिल्कुल उस लेवल के जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के, तो वो आपको डेली 10 वो भी करने हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 10 प्रीलिम्स के 10 मेंस के। ये आपका रीजनिंग का प्लान है। रीजनिंग और मैथ्स में आपको बस इतना करना है, अगर आपने इतना कर लिया रोज तो आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे दोनों सब्जेक्ट्स में। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी इंग्लिश वीक है तो हमें क्या करना चाहिए। इंग्लिश के लिए इस कोर्स में कंप्लीट मटेरियल गिवन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो इन्हीं दो टॉपिक में से आएंगे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो इसकी जो ईबुक है वहां पे आरसी ईबुक के नाम से, उससे डेली 5 सेट आप प्रैक्टिस करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, और 5 सेट प्रैक्टिस करोगे क्लोज टेस्ट के ऑल्टरनेट डेज पे। जैसे आज अगर हमने 5 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कर लिए, तो कल हम 5 सेट कर लेंगे क्लोज टेस्ट के, फिर परसों हम फिर से करेंगे 5 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। मैं आपको ये ईबुक क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जो कोर्स है क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें जितना भी कंटेंट है सारा का सारा, कोई भी टाइम वेस्ट कंटेंट नहीं है, सारा कंसाइज कंटेंट है। जो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल उस लेवल के क्वेश्चंस इस कोर्स में दे रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसीलिए जो मॉक टेस्ट स्टूडेंट्स देते हैं, क्या होता है एग्जाम में जाके मॉक में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उनका लेवल एग्जाम लेवल का नहीं होता, चाहे आप किसी भी कंपनी का मॉक टेस्ट ले लो। इसीलिए स्टूडेंट्स एग्जाम में जाके अटक जाते हैं। जो स्टूडेंट अभी SBI क्लर्क देके आए हैं उनका मैंने फीडबैक लिया था, जो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके गए थे एंड वो लोग एग्जाम में जाके फंस गए, क्योंकि एग्जाम लेवल अलग होता है बिल्कुल, वो किसी भी मॉक में नहीं मिलता। जो मैंने आपको ईबुक्स बता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, उससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं उसके आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से, टॉपर्स ईबुक फॉर इंग्लिश। इसमें आपको डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस गिवन है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी क्या है, वर्ड पावर, मतलब आपको हर वर्ड के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनियम एंटोनियम पता होने चाहिए। क्या वर्ड है जो उससे सिमिलर है, क्या वर्ड है जो उसका ऑपोजिट है, वो कहाँ से पता चलेंगे, इसी ईबुक में, जो टॉपर्स ईबुक फॉर इंग्लिश है इसमें से आपको डेली 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम डेली बेसिस पे करने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप एरर डिटेक्शन नाम के जो क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश की, उसमें आपको कोई सेंटेंस दे देंगे, आपसे कहेंगे इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है उस पार्ट को मार्क कर दो। तो जब तक आपको ग्रामर के रूल नहीं पता, तब तक आप गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे, या फिर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, जो दोनों ही केसेस में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो आपको स्पीड ग्रामर ईबुक से डेली 3 पेजेस रीड करने हैं। ये वो ईबुक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स दे रखे हैं, जो आपकी पूरी बैंकिंग और इंश्योरेंस की प्रिपरेशन करा देंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो ये जो 3 मैंने आपको टास्क बताए हैं, पहला टास्क रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईबुक से, दूसरा और तीसरा टास्क जो है वो है आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ईबुक से, 10 सिनोनियम 10 एंटोनियम याद करने हैं डेली, जो सारे इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंटोनियम है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो सब इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। फोर्थ टास्क जो है आपका वो स्पीड ग्रामर ईबुक, ताकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाए इंग्लिश की, उसके लिए आपको डेली 3 पेज वहां से पढ़ने हैं। इंग्लिश में बस इतना करना है, चाहे आप इंग्लिश में वीक भी हो तो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे सिर्फ इतने टास्क फॉलो करके, जो 4 टास्क मैंने आपको बताए।
अब बात करेंगे बाकी दो सब्जेक्ट्स की जो सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स में आपके बस ये तीन सब्जेक्ट आएंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, स्पीड आपकी होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी कहाँ से सीखनी है उसी कोर्स के अंदर आपको सिखा दी जाती हैं। मेंस में ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, इसी के साथ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एबिलिटी, ये दो सब्जेक्ट्स एड ऑन है, इनकी प्रिपरेशन भी आपकी इसी कोर्स में हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस की जो इसमें ई बुक है उससे डेली 30 क्वेश्चन आपको करने हैं डेली बेसिस पे, ये आप करते हुए चलोगे तभी आपकी जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग हो पाएगी। जो भी स्टैटिक अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस है, वो सब इसमें कवर्ड है। सेकेंड थिंग, कंप्यूटर एबिलिटी। बहुत से स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि इस पे उन्हें कहीं भी कंप्लीट एग्जाम लेवल का कंटेंट नहीं मिल पाता, तो वो सोचते हैं हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको ये मिस्टेक, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। इसी कोर्स में जो कंप्यूटर एबिलिटी के लेसन्स दे रखे हैं उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर्ड है, डेली आपको वहां से एक लेसन पढ़ना है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाई जा रही हैं वो आपको पढ़नी है, क्योंकि इसमें वही चीजें कवर्ड हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रही हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछ लेते हैं कंप्यूटर एबिलिटी के, कभी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी किसी में, बट वो टॉपिक्स वही रहते हैं, तो वो सब डिटेल में आपको यहाँ पे कवर्ड मिल जाते हैं। डेली एक लेसन वहां से आप पढ़िए, सारे लेसन उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रखी है पूरी कंप्यूटर एबिलिटी, उसी में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैंने आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस सब का सिलेबस बता दिया है। इनफैक्ट अगर आप NICLAO ये एग्जाम भी देने जा रहे हो उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी इनफ है, UIICAO के लिए भी यही स्ट्रैटेजी इनफ है, एंड NISCL असिस्टेंट, जिस स्टूडेंट ने स्ट्रैटेजी को इसके लिए फॉलो कर लिया NISCL असिस्टेंट के लिए, वो इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाएगा, प्रोवाइडेड आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। सो दिस इज द कंप्लीट टाइम टेबल जो आपको आज से फॉलो करना है, 4 से 5 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने हैं। जो इस कोर्स का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो स्टूडेंट सीरियस हैं मुझे पता है वो आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे एंड इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो लोग बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे, सोचेंगे मैं कल से परसों से स्टार्ट करूंगा, बट टुमारो नेवर कम्स। So just start your preparation from today. All the best for NISCL Assistant 2024. May you get selected soon. All the best.